नमस्कार, वेलकम एक बार फिर से एजुकेशन 24 में स्वागत है। आज हो गया वीक का यानी कि संडे, और आज हम फिर से आप लोगों के लिए अपडेट लेके आए। अभी फिलहाल इस वीक में यही वैकेंसी अपडेट हुए। ऐसे तो स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी वैकेंसी अपडेट हो रही है पार्ट टाइम के लिए और प्राइमेट या फिर 6 महीने के लिए। काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, सभी जाके आवेदन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पे एनएमडीसी में नई वैकेंसी की अपडेट हुई है और इसमें स्टार्टिंग में 10,000 से लेकर 20,000 तक सैलरी होगी और भारत के सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभी देखा जाए तो कोरोना की वजह से इस वैकेंसी को अपडेट किया गया है और इसके लिए सीधा आपको कहीं पर भी किसी भी कंप्यूटर क्षेत्र पर नहीं जाना, आपको फॉर्म भरने का कहीं पे अपने सिर्फ मोबाइल से इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको करने होंगे सिर्फ दो काम, अगर आप वो दो काम कर लेते हैं तो आप इस फॉर्म को आराम से भर पाएंगे। तो एजुकेशन 24 के तहत मैं पूरी जानकारी दूंगा। जो भी विद्यार्थी नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना ना भूलें। इसी दौरान एनएमडीसी की बात करें तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय खनिज विभाग प्राधिकरण के छत्तीसगढ़ से निकली हुई वैकेंसी है। इसमें आईटीआई से लेकर बीटेक तक के विद्यार्थी आवेदन करेंगे। विज्ञापन की बात करें तो आप इसका विज्ञापन देख सकते हैं, ये इसका विज्ञापन है और ये करीबन 10 मई को इसकी जानकारी मिली है। सभी विद्यार्थियों को मिल चुकी होगी अब तक, और अब जिन्हें नहीं मिली उनकी मैं बात करूंगा। यहाँ पे विज्ञापन की मैं सीधी बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात होगी आवेदन कैसे करना है। कई विद्यार्थियों को डाउट है कि हमारे पास तो यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, कंप्यूटर वगैरह ओपन नहीं है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। आपके पास अगर मोबाइल है तो आप सिर्फ दो काम करें, वो मैं पहले यहाँ पे क्लियर करूंगा। पहली बात करें ग्रेजुएशन के लिए अप्रेंटिस की पोस्ट है, 16 पोस्टें दी हुई है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस की डिप्लोमा वाले 3 वर्ष के लिए 13 पोस्ट हैं, जबकि आईटीआई वाले विद्यार्थियों की बात करें कॉपर से तो यहाँ पे 30 पोस्टें दी हुई है और टोटल 59 पोस्टें इसमें जारी हुई है। एनसीबीटी का सर्टिफिकेट मांगा गया है। भारत के सभी विद्यार्थी अगर एनसीबीटी का सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री और आईटीआई है कोपर से तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी दौरान बात करें आवेदन के बारे में, तो दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नहीं जाना, आपको बस इसकी ये लिंक जो ईमेल आईडी है उसको ध्यान में रखना होगा। आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स की जो फोटो या फोटो खींची अपने मोबाइल से या पीडीएफ बनाइए, उन्हें बना के आप इस पे मेल कर सकते हैं। सीधा कुछ नहीं करना, आपको मेल करना है, इस मेल को कॉपी कीजिए। और इस अगर मेल करना नहीं आता तो ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे बस इस मेल को कॉपी कीजिए। और मेल को कॉपी करते आपकी जीमेल आईडी पे जाएंगे तो आपकी जीमेल आईडी लॉगिन होगी, और उस जीमेल आईडी पे सीसी पे या सी पे या टू पे क्लिक करेंगे। टू पे क्लिक करते ही आपके पास पहली आपकी जो मेल आईडी उपलब्ध होगी उसे यहाँ पे देख पाएंगे, और इसे भर के और सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन, आपको सब्जेक्ट में यही लिखना होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। तो दोस्तों इसको आप सेंड कर सकते हैं इस मेल आईडी पे, और इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोग इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे आवेदन करने के लिए दी गई है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से आवेदन करनी होगी। और आई होप कि आप सभी समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। आपको मेल करना है अपने मोबाइल से ही, और अपने डॉक्यूमेंट्स को इसके ऑफिशियली एड्रेस पे भेजना है। इसलिए आपको इतनी सी जानकारी मैं आपको फिर से रिपीट करूं तो आप अपने मेल के जरिए इसे जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसका विवरण, आई होप कि आप सभी विद्यार्थी समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी भी विद्यार्थी को डाउट है तो कमेंट में लिखें, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एजुकेशन 24 को जल्दी कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन करें, आने वाले हर एक छोटे विज्ञापन की जानकारी आपको मिलती रहेगी। कैसा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।